Hey guys, welcome back to my YouTube channel. So, आज की वीडियो के अंदर हम जर्नल का नेक्स्ट चैप्टर करने वाले हैं और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ में बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दो और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंने वार्निंग इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है वाज पास्ट जर्मन और नन जी सू। इसके अंदर हमें करना क्या है, जो भी पिक्चर्स हैं उनको उनके नाम के साथ मैच करना है। तो पहला पिक्चर सी है यानी रेगाल, सेकंड आई, थर्ड एफ, फोर्थ एम, फिफ्थ के, सिक्स्थ एन, सेवन्थ डी, एट्थ ए, नाइन्थ जी, टेंथ बी, इलेवेंथ जे, ट्वेल्थ ई, थर्टीन्थ एल, फोर्टीन्थ एच। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस पेज के अंदर वैसे कुछ है नहीं, अगर ये चाहो तो कर सकते हो। इसके अंदर बेसिकली हमें रूम लिखना है, जैसे पहला बादल सिमर है, उसके बाद नेक्स्ट है बेडरूम, तो ऐसे किंडर सिमर, तो ये सारे मर्जी है, कर सकते हो। ओके, नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं तो यहाँ से लिख लेना। तो नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट पेज के अंदर थर्ड क्वेश्चन है वी हाई स्टार्स गेगन टाइम नॉट यारन जी दास पास वोट। तो इसके अंदर बेसिकली हमें करना क्या है, जो भी अपोजिट वर्ड्स हैं, जो भी वर्ड्स है उसका अपोजिट लिखना है। गेगन टाइल मतलब होता है अपोजिट। फॉर एग्जांपल फर्स्ट देखते हैं, दी वोनुंग इस्ट निश टॉयर, यहाँ पे वर्ड क्या है, टॉयर। टॉयर मीन्स क्या होता है, सस्ता। जी इस्ट बिलिश, बिलिश मीन्स महंगा। वैसे नेक्स्ट क्लाइन है, उसका अपोजिट क्या है, ग्रोस। क्या नेक्स्ट है, लाइजा, उसका अपोजिट लाउट, डुंकल, हेल, वेग, जेंट्रल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस पेज के अंदर एक्चुअली कुछ करने वाला है नहीं, तो इसलिए सीधे हम सिक्स क्वेश्चन पे अब चलेंगे। सिक्स क्वेश्चन ये रहा, वो इस सॉल्यूशन। इसके अंदर बेसिकली हमें करना क्या, आसपास चाबी, ये जो इधर है ना, इधर देख रहे हो बहुत सारी कीज़ रखी हुई, तो बताना है कि की पोजिशन है क्या। रेड गैनन जी जी प्रेपोजिशनन, तो इसके अंदर हमें प्रीपोजिशंस भरने हैं। पहला है देयर सॉल्यूशन इज ऑफ देम श्रंक, पहले क्या, ऑफ मतलब क्या होता है, अबव, तभी तो ऊपर है। उसके बाद नेक्स्ट है देयर सॉल्यूशन इज इम श्रंक, श्रंक के अंदर है। नेक्स्ट क्या, पीछे है तो हिंटर है। क्या उससे नेक्स्ट देखो, क्या बगल में रखा हुआ है तो नेबन। नेक्स्ट फिफ्थ में है, इसके जस्ट नीचे है तो हम लगाएंगे फोर। उसके बाद नेक्स्ट इसके अंदर है देयर सॉल्यूशन हैंग्ड डैश देयर वन, तो ये बगल में जो है किसी हैंगर पे टंगा हुआ ना, तो इसलिए हमने लिखा अन देयर वांट। क्या नेक्स्ट है, देयर सॉल्यूशन इज स्विशन देयर श्रंक, तो इसके अंदर देखो ये जो दो श्रंक है उसके बीच में है तो स्विशन। उसके बाद नेक्स्ट है यूबर, मींस ये जो श्रंक है उसके ऊपर है की टंगी हुई। उसके बाद उससे नेक्स्ट है देयर सॉल्यूशन इज उंटर देम श्रंक, मतलब श्रंक के नीचे है। ओके, उसके बाद अब नेक्स्ट उस पर चलते हैं। नेक्स्ट ये है वो जिंदी जाकन अंटवोटन जी दस वोटर बुक हिल्फ, तो इसके अंदर हमें करना क्या है। इसके अंदर वैसे तो एग्ज़ाम में बता दूँ डायरेक्ट ऐसे टाइप के क्वेश्चन नहीं आते, उसमें थोड़ा सा अलग आएगा, मतलब डायरेक्शन बता देंगे पिक्चर ड्रॉ करके कि यहाँ से लेफ्ट है, राइट है, सीधा है, तो हमें फिर ब्लैंक भरना होगा कि लेफ्ट यानी लिंक्स जाओ, रेस्ट जाओ, गिराओ, डस जाओ। तो इसके अंदर भी ऐसे ही है कि हमें कुछ इन्होंने चीज़ें दे दी जैसे टासन, जुकर, तो इन सब की मदद से जो है हमें बताना है डायरेक्शन की एक्चुअली है का। जैसे सेकंड है उन वो जिन दी वाइन ग्लास, तो वाइन ग्लास कहाँ पे, ये रहा ऊपर वाइन ग्लास, ब्रैकेट में क्या, टासन है, तो टासन के अकॉर्डिंग हमें बताना है, टासन ये रहा, तो यानी कि कहाँ पर, ऊपर राइट हैंड साइड है, तो इसका आंसर है ओबन रेस्ट यूबर देन टासन, मतलब ऊपर टासन से राइट हैंड साइड। उसके बाद इसी तरह नेक्स्ट है इश फिंडे देन काफिनिस्ट, उसको कॉफ़ी मिलनी थी तो कहाँ पे है, रेस्ट उंटन नेबन दे जुकर, राइट हैंड साइड शुगर के पास। इसी तरह नेक्स्ट है उंटन नेबन दे मेल। उसके बाद नेक्स्ट फिफ्थ है इन देयर मीटर नेबन देन ब्यूशन। क्या सिक्स्थ है उंटर स्विशन देन गाबेल उन दी मैस्ट्रन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट इस क्वेश्चन के अंदर करना क्या हमें, फर्स्ट क्वेश्चन है लेजन जी द मेल फोन मारी ट्यूबर दी वो नो मार्केरन जी आले पॉजिटिव आउस रेंगन ग्रुन उन आले नेगेटिव आइस रेंगन हॉट। तो
तो इसके अंदर हमें करना क्या है, जो भी पॉजिटिव बातें हैं उनको रेड कलर से, सॉरी ग्रीन से अंडरलाइन करना है, और जो भी नेगेटिव इसके अंदर सेंटेंस है वो रेड से अंडरलाइन करना है। फॉर एग्जांपल पहला है, दी वोनुंग इज ग्रोस ऑन एक्स सुपर, तो जो है ये पॉजिटिव बात है कि उसे बहुत अच्छा लगा अपार्टमेंट, तो इसलिए ये ग्रीन से है। सिमिलरली और पॉजिटिव का एग्जांपल देखते हैं इधर, दस वोन सिमर इज टॉल, मतलब कि उसको वोन जिमर जो है वो बहुत पसंद आया, तो ये भी पॉजिटिव हो गया, यानी ये भी ग्रीन से होगा। उसके बाद नेक्स्ट इसके अंदर एक नेगेटिव का एग्जांपल दे देती हूँ, ये देखो, माइन बेड इज़ ओके अबर देन श्रंक इज़ सू क्लाइन, मेरा बेड ओके है लेकिन मेरा जो कबर्ड है वो बहुत छोटा है, तो ये क्या नेगेटिव हो गया, तो ये रेड से होगा इस अकॉर्डिंग। ये जो है रीडिंग की प्रैक्टिस के लिए काफ़ी अच्छा है, तो एक बार इसको ट्राई करना कि खुद रीड करो और नेगेटिव पॉजिटिव समझ पाओ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस वैसे एग्ज़ाम में नहीं आते, पहले बता दूँ, तो इसके अंदर है क्या, मैं जस्ट एक्सप्लेन कर देती हूँ कि इसके अंदर सोफ़ा दे रखा है, सोफ़ा के कुछ कुछ नीचे फीचर्स दे रखे हैं, तो हम फीचर्स के अकॉर्डिंग बताना है कि सोफ़ा जो है कौन से फीचर कौन से सोफ़ा के साथ मैच करेगा। अगर करना चाहते हो तो वीडियो पॉज करके लिख सकते हो, वरना एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट एट, यस ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आता है, वी हाइजन द फार्मन, इसके अंदर हमें कलर के नाम बताना है। जैसे पहला है गैल्ब, गैल्ब मीन्स येलो, नेक्स्ट है रॉट या फिर रॉट जो पढ़ सको रेड, नेक्स्ट है श्वाट्स मीन्स ब्लैक, नेक्स्ट ग्रीन मीन्स ग्रीन, उसके बाद नेक्स्ट ब्लाउ ब्लू, वाइस वाइट, ग्राउ मीन्स ग्रे, ऑरेंज मीन्स ऑरेंज, ये कलर नेम है, एक बार अच्छे से इनको याद कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर इस पेज पे ये है, ये अनसीन पैसेज है। हाँ, तो इसी टाइप के पैसेजेस एग्ज़ाम में आते हैं, स्पेशली ये उनके लिए जो कॉलेज स्टूडेंट है, जो कॉलेज के थ्रू जर्मन पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे ऐसे टाइप के ही क्वेश्चंस आते हैं अनसीन पैसेज की बात की जाए तो। तो इसके अंदर देखो, मैं चाहती हूँ कि एक बार वीडियो पॉज करो, एक बार खुद रीड करो, और अगर नहीं करना चाहते तो कोई नहीं, साथ में रीड करते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। डैनियल स्वायन स्वानसी स्टूडियर ऑफ फ्रांसोशिस्ट गशिष्ट उनगे जर्मनास्टिक एयर वॉन्ट इन आइनम बुस आउफ टेम यूनी पार्क प्लाट इन आकेन इश्वार ein jahre in paris zum studieren seit september bin ich wieder hier in aachen und es gibt keine plätze in wohnheim mehr ich hatte auch keine lust auf so ein wohnheim mit vielen studenten zum glück habe ich seit 3 Jahren eine campingbus er ist klein aber alles ist da es ist eine mini wohnung und jetzt meine zuhause Da wohne ich seit 10 Monaten und finde es eigentlich ziemlich cool. Aber nicht alles ist einfach, zum Beispiel die Post. Ich habe ja keine Adresse. Eine Freundin bekommt jetzt meine Post und ich hole sie dort ab. Im Winter ist es manchmal ziemlich kalt. Dann schlafe ich bei einem Freund, er wohnt. in der Nähe und hat eine Schlafsofa. Ich gehe dann für uns eine kaufen und koche etwas. Jeden Monat spare ich viel Geld, ich zahle ja keine Miete. Da ist doch super und meine Freunde kommen mich oft besuchen, mein Bus steht auf dem Uniparkplatz. Leider kommen sie manchmal schon sehr früh und wollen einen Kaffee bei mir trinken. Sie bringen Brötchen mit und dann ist das schon okay. Bis zum Winter bleibe ich sicher noch hier und dann mal sehen. तो ये तो हमने पैराग्राफ रीड किया, पैसे सॉरी। उसके बाद अब हमें क्या करना है, ये क्वेश्चन रीड करने में बताना है ये रिस्टिश है या फॉल्स है, मीन्स ट्रू है या फॉल्स है। फॉल्स को जर्मन में फाल्स कहते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। दानियल वॉन्ट इम वोनहाइम उन अम वोखन एंड इम कैंपिंग बुस, तो कह रहे हैं कि डैनियल जो है वो वोनहाइम में रहता है लेकिन वीकेंड्स पे कैंपिंग बस में रहता है। ऊपर देखो, हमने कैंपिंग बस की बात कहाँ पढ़ी थी, यहाँ पे सुम ग्लुक हाबेश साइड राय यारा आयना कैंपिंग बस। तो इसके अंदर ऐसा तो नहीं इसने कहा कि वो सिर्फ वीकेंड्स पे रहता है, तो यानी क्या फाल्श है। क्या नेक्स्ट, डैनियल हाइड देन कैंपिंग बस साइड सेप्टेम्बर, ऊपर भी यस इसने ऐसा बोला था
कि नहीं वो एक बार चेक कर लेते हैं। तो उसके बाद ये कह रहा है कि सुमग्लुक हबेश साइट 3 साल से इसके पास है, बट इसने ऐसा कुछ इसके अंदर मेंशन नहीं किया कि इसके पास सितंबर से है, तो फिर इसलिए इसका आंसर भी है फाल्स। उसके नेक्स्ट पे चलते हैं, थर्ड है डैनियल्स पोस्ट पे कॉमन साइना एट्रन। तो इसके अंदर बताया गया कि डैनियल का जो पोस्ट है, यहाँ पे पोस्ट इसके उसके पास था ना, बस के पास इधर लिखा हुआ है सुम बाइशपील दी पोस्ट। तो यहाँ पे बता रहा है कि क्या इसके एल्टन भी साथ में थे, एल्टन मतलब पेरेंट्स। नहीं, ऐसा पैराग्राफ में कुछ भी नहीं कहा पेरेंट्स के बारे में। नेक्स्ट है इन विंटर इस टेस्ट ऑफ नेस्ट वार्म इन द बस। यस, उसने कहा कि विंटर में जो है बस मतलब इतना वार्म नहीं होता, काफ़ी कोल्ड होता है। इधर लिखा है इन विंटर इस टेस्ट मार्शमल सीमलिश काल्ट। ओके, क्या नेक्स्ट है डैनियल साल्ट माइटर अन एनाफ्रोडर। तो ऐसा उसने ऊपर कहा कि वो जो अपने फ्रेंड का रेंट पे करते हैं, ये देखो माइटर ये है, यदन मोनाट्स पारे इशफीला गैल फ्यूर इस डाल या काइटन माइटर। तो इसने ऐसा कुछ भी नहीं कहा कि अपने फ्रेंड का पे करता है, तो इसलिए फाल्स। नेक्स्ट है डैनियल फ्रूस्ट का मार्शमल मिथ फ्रॉइंडन सुजामन। यस, उसने बताया इसमें कि वो कभी कभी अपने दोस्त के साथ ब्रेकफास्ट करता है, क्योंकि उसका दोस्त जो है वो आता है। देखो लाइन ये रही, आइने फ्रॉइंडन बेकॉमन यस, ये वाली लाइन। क्या नेक्स्ट है डैनियल मेस्टर जो फोर्ट उमजियर। डैनियल जो है कुछ भी मतलब जो उसे चाहिए वो उसी वक्त कर देता है। तो ऐसा नहीं, क्योंकि विंटर आने पर कभी कभी वालसी हो जाता है, तो वो घर पर ही रहता है, कुछ भी नहीं करता। तो इसका आंसर है फाल्स। तो बस इसके बाद इसके अंदर नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं कुछ है या नहीं। नेक्स्ट पेज पे ये R2 है, इसको रीडिंग पर्पस से रीड करने की कोशिश करो, समझ आएगा, थोड़ा प्रैक्टिस होगी रीडिंग की। बाकी इस चैप्टर में तो और कुछ भी नहीं। तो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक कर देना और नीचे कमेंट भी कर देना कि कैसी लगी हो। तब तक के लिए जय कृष्ण।